बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ जमील अवान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल। अच्छा जी, ये हवेलियाँ मवेशी मंडी का व्यू है। आज बुध का दिन है, बुध वाले दिन ये मंडी लगती है जी। और आज फाकन मलक रजमत साहब भी आए हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है, आप खैर? आज जो आप जी खिलाफ मामूल हवेलियाँ मंडी पे आए हुए हैं? बस हवेलियाँ जी, कभी कभार कभी कभी चक्कर लगाने के लिए आते हैं जी। गरीब ही है ना, जरा हालात वाकियात भी पता चल जाते हैं जी, उसके लिए जरा ये आए हैं चक्कर लगाने के लिए। थोड़ी सी मलक साहब की रहनमाई में आपको थोड़ी सी मालूमात देते हैं जी। कुछ गायें उधर पीछे वो देसी सी खड़ी हैं, उनके बारे में मालूमात आपको देंगे जी। आए जी, आपको बताते हैं। तो ये देखें, ये जमील भाई के तो सर जी। अच्छा, इन्होंने क्या आते हो? पैंताली उसका पंजा भाई, और इसका भाई, और इस तरफ भी एक है जिसका 25। ये वाला पीछे से लात भी एक लगाई है इसने टका के, ठीक है जी, लेकिन बचत हो गई है जी। ये काम होता है जी, ठीक है जी। तो मलक साहब की मामले में और जमील भाई दिखाते हैं आपको। अच्छा फिर ये वाली देखें जी। अच्छा ये जी बड़े सिंह अली के देसी? देसी जी, बिल्कुल पहाड़ का माल है जी, और ये जो भी इनसे मिलता है मुफ्त का मिलता है, इनका बच्चा मुफ्त से मिलता है, इनका दूध मुफ्त का मिलता है। चराई करती सुबह ये निकल जाती हैं, रात को वापस आ जाती हैं, ठीक है जी। हर साल बच्चा तैयार हो जाता है, ठीक। तो आम गरीब आदमी का ये अच्छा गुजर बसर, ठीक है जी। इब्रार भाई मुँह के जी पूरी जी, तो पैसे इससे बच्चों का फायदा है जी, उनके बच्चों बच्चियों का फायदा है जी। तो इधर जी इस साइड देखो, ये देखें ये वाली जो इस तरफ है ना जी, ये तो आप एक वीडियो में देख चुके हैं, ये वाली देसी माल जो है ना जी, पहाड़ का माल देसी। ये देखें तो अब बच्चों वाली हैं, दोनों के साथ बच्चे हैं जी, एक एक बच्चा दोनों के साथ है, ठीक है। अलग क्या आते हो ना, एक 15 से 2 लाख रुपया कुछ दूध भी है ना, छेर, ठीक है। शेर सुबह शेर शाम दूसरी का कह रहे हैं और इसका 6 बता रहे हैं। मुँह पूरिया ना पूरिया साथ इनके जी, किसी के साथ बच्ची है, किसी के साथ आइस के साथ। ये मारने वाली है जी, राकेट है पूरी ये वाली जी, इसके साथ बच्ची है वो वाली। ये जो है ना जी जी, ये किलो डेढ़ से ज्यादा देती नहीं है। जो बेशक 8-8 किलो बताते हैं, तो बेशक बताए 10 किलो बताए, 20 किलो बताए, ये इन्होंने चरना होता है सारा दिन, मुशक्कत करती है ना, कह रहे मुशक्कत करने के बाद शाम को थकी हारी आती है, किलो डेढ़ किलो। बस बस यही बात जी जी। तो बच्चे हर साल तैयार हो जाते हैं, सही बात होते हैं, कुर्बानी कलर इनके अच्छे होते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे मतवस्त तबके या निचले तबके का अच्छा गुजर बसर है जी जी, सही बात, अच्छा गुजर बसर है। थोड़ा जैसे ये वाली अब देखें, ये बहुत ये क्रीम नहीं किसी को आने दे रही, ये पेशर है जी, कुछ साल 2-4 साल पहले ये आई होगी पंजाब से जी जी, ठीक है जी, ठीक होगा। और फिर ये अंदर ही रही है, अंदर ही रही है। तो फिर अब ये आज बाहर आई है, आज मंडी पे आ गई है, जंगली सी हो गई है ना जी जी, अब करीब नहीं आने देती है हर आदमी के साथ, बड़ी ये जी बिल्कुल। मैं तो करीब नहीं जाता हूँ जी, सच्ची बात है, गड़बड़ हो जाएगी। तो बहरहाल जी देखते हैं जी, एक ये है जी, ये देखो सर, पूछा गबने के इसका क्या मांगते हो, मांगते गबने
सुखी है दूध शोध नहीं नहीं दूध कुछ है नहीं कुछ नहीं है दूध एक 20 मांग रहे हैं कटू मांग रहे हैं और बिल्कुल ये एक बच्चे वाली है ये एक बच्चे वाली है भाई से पूछते हैं गाड़ी में बैठे क्या हाल है ठीक हो इस तक ये मांग रहे हो 160 दूध कितना है जी दस एक किलो दूध बता रहे हैं जी कितना 10 किलो बता रहे हैं और कहते हैं जी 1,10,000 देखिए साथ इसके जी बच्चा है जी ठीक है बच्चा बच्चे बच्ची है बच्ची है बच्ची एक दूर बात समझ ये है ना जी ये नस्ल में तो गाय अच्छी है जी लेकिन एक अरसे से ना जी इसकी संभाल किसी ने नहीं की बिल्कुल हम अपनी जुबान में कहते हैं ये जानवर खुशक हो गया जी जी ये अंदर से खुशक है ठीक हो गया यानी कि इसको कभी किसी ने कोई तेल कोई घी कोई गंडा नाम की चीज़ डाली नहीं है नहीं डाली है सिर्फ घास पे रही है जो जानवर घास पे जिसकी परवरिश हो ठीक हो वो दूध नहीं करता सही ठीक है जी हाँ जहर है वो गंडा नहीं पड़ा इसको दिया है या उसको संभाल करे बच्ची भी अच्छी है ये गाय भी अच्छी है लेकिन ये दूध करेगी अगले साल ये फिर गबन हो बिल्कुल इसको प्रॉपर तरीके से बंडा मिलता रहे जी अगले साल ये दूध करेगी बिल्कुल वो पी रहा है इसको पता भी नहीं देखो दूध पी रहे बच्चे तो ये देखो ठीक है ये वाली गाय थी हम आपको बता रहे थे इस बारे में तफसीलात जो भी हैं ठीक है अच्छा जी ये वाली गाय है जी देखें तो ताज़ा सुई हुई है पीछे से जेर वगैरह लगी हुई है साथ ना ये देखें ये भी सही वाल क्रॉस है जी नहीं सर ये तो और है देसी है देसी नाल कलर सही वाल वाला है जी 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 कलर उस तरह का देसी है ना ये देसी जी ठीक है क्योंकि इसकी मैन निशानी ये देखिए झालर जी और नीचे दुनी या इसका पेट भी कुछ ज्यादा लटका हुआ है ये तो एजेड है ना एजेड है इसमें बूढ़ी हो गई है ठीक है इसका क्या मांगते हो 1.45 दो इसका कितने जी राती सुई गोले में बच्ची इस नाल बच्चा है जी मुँह से पूरी सुई है ना ये देखिए निशानी है ना जी 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 ये वो आप उस दिन भी बता रहे हैं बताया था ना जो ताज़ा जानवर होता है ना जी ये चीज़ें उसकी खड़ा पड़ जाता है गड़े पड़ जाते हैं और एक और वजह से भी गड़ा होता है जी अगर जानवर जहर ना फेंके फिर भी ये गड़ा रहता है अच्छा अच्छा फिर भी होता वो फिर बड़ा मसला बनता है फिर अलग वो मसला है फिर नंबर दसो आप 0313 59 18 645 कोई लेना चाहे तो रब्ता करके ले सकते घर के इस्तेमाल के लिए थोड़े दूध वाली कहते हैं जी जवान है कंसेशन भी करेंगे ठीक है मेहरबानी जी तो इस वीडियो में मलिक साहब से भी इजाज़त चाहते हैं और शुक्रिया भी अदा करेंगे मलिक साहब का ठीक है वो एक पीछे गाय है लेकिन वो हम बता चुके हैं पहले वीडियो में ना एक वीडियो में बता चुके हैं दस रहे हैं वो बता रहे हैं दिए वो वाले एक और वीडियो में बता दिए मैंने तो फिर यहाँ से इजाज़त चाहते हैं दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़